और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आज मंच पे आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय, जिनका एक बहुत लंबा इतिहास जनसेवा के साथ रहा है, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं परम आदरणीय मांगूभाई पटेल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय और जन जन के साथ जुड़े हुए हमारे मुख्यमंत्री मंच पर आसीन हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे ग्वालियर के ही सपूत आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण, हमारे समस्त विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, हमारे एक एक जिलाध्यक्ष, समय की कमी है इसलिए हर एक का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मंच पर उपस्थित समस्त हमारे महानुभाव, हमारे संत महात्मा गुरुगण, जिनको मैं झुककर यहां से प्रणाम करता हूं, हमारे सामने बैठे हुए ग्वालियर की आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद ग्वालियर की समस्त प्यारी जनता जनार्दन जो यहाँ उपस्थित है इस प्रांगण में, और मीडिया के मेरे सभी भाई बंधु और मेरी सारी लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी आज जो यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित है, आज सबको मेरा झुककर प्रणाम। आज ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक दिवस है और आज इस दिवस पर जहां मेरी आजी अम्मा के नाम पर नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा महामहिम के समक्ष मुख्यमंत्री जी के साथ किया जा रहा है, आज मेरे पूज्य पिताजी की भी जन्म जयंती है, तो मेरी आजी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी को मैं झुककर प्रणाम करता हूं। आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है और कहा जाता है हमारे इतिहास में कि वही व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता है जो देख पाए कि अगर एक योजना की शुरुआत हो पाए उससे आने वाले भविष्य में एक एक व्यक्ति, गरीब वंचित पीड़ित व्यापारी, एक एक व्यक्ति की प्रगति और विकास का मार्ग कैसे प्रशस्त किया जाए। और आज हमें गर्व है कि आज पूरे देश का नेतृत्व हमारे ऐसे कर्मठ, ऐसे लगनशील, ऐसे समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं जो इस 140 करोड़ जनता का, मां भारती का झंडा केवल देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत पे नहीं लेकिन चांद पे भी गाड़ के रख दिया है मेरे भाई और बहनों। और आज एक नया इतिहास रचा जा रहा है देश के अंदर, जहां एक ही कार्यक्रम से जहां आपका और हमारा ग्वालियर का भव्य टर्मिनल का उद्घाटन हो रहा है, वही देश के अंदर 15 एयरपोर्ट टर्मिनल, 75 वर्ष में ये कभी नहीं हुआ कि एक कार्यक्रम में 15 एयरपोर्ट टर्मिनल, 9,811 करोड़ रुपए के 5 नए एयरपोर्ट, 7 नए टर्मिनल, 3 टर्मिनलों का भूमि पूजन, 15 एयरपोर्ट्स का कार्यक्रम एक साथ प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 6 एयरपोर्ट्स, आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, लखनऊ, मध्य प्रदेश में 2 एयरपोर्ट ग्वालियर और जबलपुर, महाराष्ट्र में 2 एयरपोर्ट शिवाजी महाराज की राजधानी पुणे और कोल्हापुर, कर्नाटक में 2 एयरपोर्ट हुबली बेलगावी, आंध्र प्रदेश में कड़प्पा, पंजाब में आदमपुर और सर्वश्रेष्ठ देश की राजधानी में दिल्ली का एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, कुल मिलाकर 15 एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन और शिलान्यास एक ही दिवस में, एक ही कार्यक्रम में, ये नया इतिहास प्रधानमंत्री जी के द्वारा रचा जा रहा है मेरे भाई और बहनों। ये ग्वालियर का हवाई अड्डा जिसका सपना आपने और हमने देखा था, मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कहना चाहता हूं
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मेरी आजी अम्मा के नाम पर यह एयरपोर्ट का नामकरण हुआ। मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा स्थापित किया गया था यह एयरपोर्ट। उसके पहले जीवाजीराव महाराज के द्वारा ग्वालियर का महाराजपुर का अड्डा स्थापित किया गया था। और अगर एक योग्य आजी का योग्य नाती मैं हूं और योग्य पिता का योग्य पुत्र मैं हूं, तो मैंने भी ठान लिया कि एक ऐसा एयरपोर्ट ग्वालियर में बनना चाहिए जिससे पूरे प्रदेश का नहीं देश का शान और मान बढ़ पाए। मेरे भाई और बहनों, 650 करोड़ रुपए का ये एयरपोर्ट, और इस मंच से मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी, नरेंद्र सिंह जी मैं आपको भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हमने शुरुआत की थी 29 एकड़ की छोटी जमीन सिविल एनक्लेव की। मैं नरेंद्र सिंह जी के पास गया, मैंने कहा कि आलू संसाधन का हमारा केंद्र यहाँ है, वहां से जमीन हमें दीजिए। अब कल्पना करो, 29 एकड़ की जमीन थी, ये एयरपोर्ट बना है 144 एकड़ की जमीन पर। मेरे भाई और बहनों, और देखो इतिहास जो हमने रचा है, आपने रचा है, मोहन यादव जी ने रचा है, सभी ने साथ में मिलकर रचा है। देश में पहला एयरपोर्ट बना जो 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया गया, और 16 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज लोकार्पण किया जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, 75 वर्ष के इतिहास में सबसे कम समय में बना हुआ एयरपोर्ट आपका ग्वालियर का एयरपोर्ट है। मेरे भाई और बहनों, मैं अपने विभाग के सभी अफसरों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। रुबीना जी आप उठिए, शरद जी आप उठिए, रात दिन इन्होंने मिलके काम किया है नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए ग्वालियर के एयरपोर्ट के लिए। मेरे भाई और बहनों, 16 महीने में बना हुआ ये एयरपोर्ट, और जहां जैसे नरेंद्र सिंह जी ने कहा, ग्वालियर को जहां एक जगह गंतव्य से जोड़ा गया था, आज ग्वालियर के हवाई अड्डे पर मुंबई की प्लेन आती है, दिल्ली की प्लेन आती है, बंगलुरु की प्लेन आती है, हैदराबाद की प्लेन आती है, इंदौर की प्लेन आती है, अयोध्या की प्लेन आती है, अहमदाबाद की प्लेन आती है। ग्वालियर को पूरे देश के साथ जोड़ने का काम आज संपन्न हुआ है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मोहन यादव जी के साथ के आधार पर। मेरे भाई और बहनों, आज ये एयरपोर्ट 2.5 लाख स्क्वायर फुट का बना है, मध्य प्रदेश का अभी सुनाई नहीं दिया, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। मेरे भाई और बहनों, एक नया स्तंभ गाड़ के हमने ग्वालियर में रख लिया है। अंदरूनी तौर पर पूरे ग्वालियर का इतिहास, बाहर आप खंबे पे देखो तो मानसिंह महल की बदक और पूरी मीनाकारी काम की आकृति दिखती है, अंदर राजा मानसिंह, माजी महाराज, माधव महाराज की इतिहास का उल्लेख है। आप अंदर जाओ तो ग्वालियर पॉटरी, जो देश विदेश में नाम रखा गया था, ग्वालियर पॉटरी का पूरा दृश्य है। ग्वालियर की हमारे कालीन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ग्वालियर के कालीन लगे हुए हैं। ग्वालियर में केवल एक वो मंदिर है पूरे विश्व में, चतुर्भुज मंदिर, शून्य मंदिर, वो शून्य मंदिर की आकृति बनी है चंदेरी के हमारे बुनकरों के द्वारा, वो शून्य का सिंबल बना हुआ है। हमारे ग्वालियर के एयरपोर्ट के अंदर एक एक दृश्य लड़ाई की लगी हुई है। वड़गांव में जब अंग्रेजों को परास्त माजी महाराज ने किया था 13 जनवरी 1799 में, उस लड़ाई का दृश्य रखा हुआ है। तो मोहन यादव जी जो सदैव संस्कृति और इतिहास के गुरु हैं, आज उनको इस एयरपोर्ट को देखकर भी बहुत रुचि होगी और आप सब लोगों को होगी, इसका मुझे विश्वास है। मध्य प्रदेश आगे बढ़े नागर विमानन क्षेत्र में, 4 विमानतल थे हमारे मध्य प्रदेश में, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। आज जबलपुर का 1 लाख स्क्वायर फुट का विमानतल का उद्घाटन हो रहा है, और उसी के साथ साथ 3 नए विमानतल बनने जा रहे हैं, रीवा, सतना, और नरोत्तम जी बैठे हुए हैं यहाँ, दतिया का भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उसी के साथ उज्जैन में
हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आदेश दिया तो उज्जैन में भी हम लोग एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं और गुना और शिवपुरी में भी 45 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, जो दिस प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट थे, अब आने वाले दिनों में 10 एयरपोर्ट बन जाएंगे। कोने कोने में हमारा विमानतल बनेगा। जिस मध्य प्रदेश को केवल 12 शहरों से जुड़ाया गया था, 3 साल के अंदर आज मध्य प्रदेश 31 शहरों से जुड़ा हुआ है। जिस मध्य प्रदेश में केवल 490 विमान थे हर हफ्ते, आज उस मध्य प्रदेश में 1000 विमान आते हैं हर हफ्ते में। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा ग्वालियर आगे बढ़ रहा है, हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, मैंने सदैव आपको कहा है, आपका सैनिक हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। ग्वालियर चंबल संभाग का झंडा विकास और प्रगति के मार्ग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोहन यादव जी के साथ मिलकर हम पूरे देश में गाड़ के रखेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, हमारा ग्वालियर ऐतिहासिक ग्वालियर, हमारा ग्वालियर बदलता ग्वालियर, नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन चुका, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, नया एलिवेटेड रोड 17 किलोमीटर का 1800 करोड़ का बन रहा है, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गया, 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया। आने वाले दिनों में बाड़ा की सुंदरता बढ़ गई, हमारी मल्टी लेवल कार पार्किंग बढ़ गई। ग्वालियर से आगरा का एक्सप्रेसवे गडकरी साहब के द्वारा मंजूर हो रहा है 6500 करोड़ का। ग्वालियर से दिल्ली आप 3 घंटे में पहुंच जाओगे मेरे भाई और बहनों। और इसी के साथ वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हो, ISBT हो, हमारा ग्वालियर बदलता ग्वालियर, हमारा ग्वालियर विकसित ग्वालियर, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश बन रहा है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन रहा है। और आप और हम सब मंचासी लोगों के साथ मिलकर हम लोग हर दल के व्यक्ति, मुझे आज खुशी है कि मेरे पूज्य पिताजी की जयंती पर BJP कांग्रेस सब एक साथ हैं और इसी के साथ ग्वालियर और क्षेत्र का विकास हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।